मणिपुर में सर एक मिनट सर, प्लीज सर एक मिनट सर, 3 महीने से हिंसाचार चल रहा है सर। सर एक मिनट सर, सर 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 200 से भी ज्यादा लोग अब तक उनकी हत्याएं हो चुकी है। मंत्री उनके, विधायक उनके घर जलाए जा चुके हैं, महिलाओं की नेकेड परेड की जा रही है, महिलाओं की हत्या पर सड़क पर हो रही है। और अब तक वहाँ ना प्रधानमंत्री गए हैं, ना प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई बात कही है। संसद हमें बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर देश का हिस्सा है, मणिपुर की जनता भी भारत की जनता है, भारत के नागरिक है, उनका आक्रोश सुनिए। अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं तो यह हमारा कर्तव्य बनता है विपक्ष का, ऑल पार्टी डेलीगेशन एक्सेप्ट बीजेपी एंड एनडीए, इंडिया का डेलीगेशन वहाँ चला गया तो उसमें शो ऑफ कैसा भाई। कल जाकर हमने उनसे, हमारे लोगों ने उनसे बातचीत की, उनका दर्द समझ लिया है। क्या ही देश की जनता का दर्द को समझ लेना और दर्द बांटना, ये शो ऑफ अगर कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो मुझे लगता है इतनी क्रूर और निर्घृण सरकार और राजनीति हमने देखी नहीं। इम्फाल में कल भी बड़े बड़े मोर्चे निकले सरकार के खिलाफ, पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी समाज है वहाँ बड़े बड़े मोर्चे निकल रहे सरकार के खिलाफ। कल महाराष्ट्र में 3 जगह पर आदिवासी समाज ने मोर्चे निकाले हैं और मुझे लगता है पूरा आदिवासी समाज पूरे देश में सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मणिपुर की हिंसा के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है पूरे आदिवासी समाज का और देश का अपमान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।